वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड का। आज ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, 5 हम कर चुके हैं, 4 आज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बिले ऑफ पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन है 4000 और 150 लीटर पानी चाहिए पर हेड पर डे, हर रोज हर एक आदमी को 150 लीटर। टैंक है इस गांव में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर। कितने दिनों तक ये पानी चल सकता है? तो पहले हम देखेंगे डेली कंजम्पशन कितनी है। 4000 पॉपुलेशन है, 150 लीटर चाहिए हर एक इंसान को, तो 4000 इंटू 150 ये डेली कंजम्पशन होगी पूरे गांव की। तो फिर इस टैंक की कैपेसिटी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, तो फिर कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर इन द होल विलेज इक्वल टू पॉपुलेशन into daily requirement per head, that is 150 liter. 15 चौके 60, ये 3 जीरो और ये 1 जीरो, ये आ गई daily consumption liters में per day. Daily means per day. One stands 100,000, 10,000 lakh. 6 lakh liters पानी चाहिए इस गांव में रोज। अब कैपेसिटी ऑफ द टैंक देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो क्यूबॉइडल है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये है 20 इनटू 15 इनटू 6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका अगर हम लीटर का बना लें मीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा 600,000 बटा 1000 मीटर क्यूब। तो 3 जीरो कट हो जाएंगी, 600 मीटर क्यूब। तो ये 15 इंटू 6 90 जो 180 और ये जीरो, ये 3 जीरो ये है, एक ये है, 4 जीरो और 15 चौके 60। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी ऑफ द टैंक 1800 मीटर क्यूब। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज दैट दिस वाटर विल लास्ट इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन। That is equal to capacity of the tank है 1800 मीटर क्यूब और डेली कंजम्पशन है 600 मीटर क्यूब। तो ये दो जीरो कैंसिल, 18.63। तो 3 दिन तक ये पानी चल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए गोडाउन मेजर्स 60 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। एक गोदाम है, उसके डायमेंशन है 60 मीटर 25 मीटर 10 मीटर। इसमें कितने क्रेट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और क्रेट के डायमेंशन है 1.5 मीटर 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। तो नंबर ऑफ क्रेट्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्रेट। तो टोटल वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय एक क्रेट का कितना वॉल्यूम है, उतनी संख्या है आ जाएगी जो स्टोर हो सकती है क्रेट्स की गोदाम में। तो वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन ये क्यूबॉइडल है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हम कैपिटल ले लेते हैं
और क्रिएट की भी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये भी क्यूबॉइडल ही है, इसका हम स्मॉल से ले लेते हैं हाइट, ये 60 25 और 10 मीटर है और ये है 1.25 और 0.5, ये आ जाएगा 60 × 25 × 10, ऐसे ही आ गया, इसका बटा कुछ नहीं है, कर लेते हैं, फिर ये 1.5 आ जाएगा 15/10, 1.25 आ जाएगा 125/100 और 0.5 आ जाएगा 5/10, इसका हमने ये बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में 60 25 10, ये ऐसे आ जाएगा बटा एक भी, ये उल्टा हो जाएगा 10 × 10 100 × 100 10,000 आ जाएगा, 2 0 ये 2 ये 4 0 हो गई और ये न्यूमिरेटर है तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 15 × 125 × 5। कैंसिलेशन करेंगे, 1 15 15 4 15 60, 1 25 25 और 5 25 से 125 और ये 2 5 10, ये 1 5 5, यहाँ बचा 4 और 2 8 और ये 4 0 और यहाँ बचा खाली ये 5 16 5 80 और ये 3 0, इतने क्रेट्स स्टोर हो जाएंगे, 16,000 क्रेट्स इस गोडाउन में स्टोर हो सकते हैं, रिक्वायर्ड जो डायमेंशन है ये इतना होना चाहिए क्रेट का और गोडाउन का इतना, तब 16,000 क्रेट इस गोडाउन में स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए साइलेंट क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। एक साइलेंट क्यूब है, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट, 12 सेंटीमीटर है इस क्यूब की, इसके 8 क्यूब हमने काटे इक्वल वॉल्यूम के, तो हमें फाइंड करना है साइड ऑफ द न्यू क्यूब। सॉल्यूशन, लेट साइड ऑफ द न्यू क्यूब बी ए, साइड ऑफ द न्यू क्यूब बी एक्स मान लेते हैं, एक्स या ए भी मान सकते हैं सेंटीमीटर, देन ने जो क्यूब बने हैं वो 8 बने हैं, 8 × साइड का क्यूब वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा और 8 है ये बराबर जो क्यूब हमें गिवन है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब दैट इज 12 क्यूब, तो विच इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू 12 × 12 × 12 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 4 × 8 6 × 12, ये 2 × 4 6 × 12, 1 × 2 6 × 12, तो जहां हमें मिल गया एक्स क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब, 6 × 6 × 6 क्यूब एक्स आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, इसलिए जो 8 क्यूब बनेंगे गिवन क्यूब्स के उनकी साइड्स होंगी 6 सेंटीमीटर रीच, ये पहला आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन में। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगी, रेशियो सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 × साइड का क्यूब, तो ये हम ले लेते हैं जो नया क्यूब है उसका सरफेस एरिया, नए क्यूब जो 8 बने हैं उसकी साइड है 6, तो 6 × साइड क्यूब गिवन क्यूब है 12 साइड उसकी, तो ये हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर एक फेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो ये 6 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 × 6, ये हो जाएगा 12 × 12, 1 6 6 2 6 12, यहाँ भी 1 6 6 2 6 12, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो रिक्वायर्ड रेशियो 1:4 आ जाएगी इस क्वेश्चन में। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर
8 करना है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। एक नदी है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी और वो फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। एक मिनट में समुद्र में कितना पानी बह जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो वाटर फ्लोन इन द सी इक्वल टू डेप्थ ऑफ द रिवर इनटू विड्थ ऑफ द रिवर इनटू स्पीड, जहां लेंथ की जगह हम स्पीड ले लेते हैं वाटर फ्लोन, और डेप्थ है हमारी 3 मीटर, विड्थ है 40 मीटर और स्पीड है 2 किलोमीटर, किलो मीन्स 2000 मीटर पर आवर, ये पर आवर है पानी वो बह रहा है, ये हो जाएगा 3×12 और ये 0×120 और ये 2000 है अपनी जगह पर आवर का। अगर हम पर मिनट हमें फाइंड करना है इन ए मिनट तो डिवाइडेड बाय 60, आवर में अगर इतना जा रहा है तो एक मिनट में डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पर मिनट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये 0 0 कैंसिल, ये 1 6 6 2 6 12 और ये 0 20 × 2 2 4 ये 0 और ये 2 0, 4000 मीटर क्यूब पानी बह जाएगा पर मिनट इस रिवर में। इस तरह से ये हमने फाइंड करना, जब भी वाटर फ्लो हमें फाइंड करना हो हाइट या डेप्थ ऑफ द रिवर इनटू विड्थ ऑफ द रिवर इनटू स्पीड, हम करते हैं ये फार्मूला, लेंथ की जगह जो क्यूब वाइड का फार्मूला होता है वॉल्यूम का, उसमें लेंथ की जगह स्पीड, और जहां मीटर क्यूब पर जो भी टाइम आवर में हो तो पर आवर, मिनट्स में हो तो पर मिनट। तो ये वाटर फ्लो 4000 मीटर क्यूब पर मिनट फ्लो करेगा। तो अगर पर आवर करना हो फिर ये यहाँ हमने डिवाइड किया 60 के साथ, तब हम ये डिवाइड नहीं करते। तो आवर में अगर इतना है तो मिनट में डिवाइडेड बाय 60 आ जाता है। इस तरह से ये 4000 मीटर क्यूब आंसर हमें फाइंड करना है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट पार्ट जो कि 74th होगा उसमें मैं 12.6 एक्सरसाइज करूँगा।